सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बनाएंगे जी जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर को हम तीन स्टेप्स के अंदर बनाएंगे। पहले स्टेप के अंदर मैं आपको चिकन मैरिनेशन बताऊंगा और दूसरे स्टेप के अंदर मैं आपको इसकी कोटिंग बताऊंगा और तीसरे स्टेप के अंदर बर्गर हम बनाएंगे। तो पहले स्टेप के अंदर मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बताता हूँ। ये मैंने चिकन लिया, मुर्गी के लेग के ऊपर से ये गोश्त उतारा सारे का सारा। ये आप किसी भी चिकन वाली शॉप पर जाएंगे तो उन्हें कहेंगे कि लेग के ऊपर से गोश्त हमें उतार दें, तो वो आपको उतार कर दे देगा। और अगर आपने देखना है कि किस तरह ये बनाते हैं तो मैं क्विक रिव्यू देता हूँ उसका आपको। ये इस तरह बनेगा, ठीक है जी। ये बन गया। इसके अलावा मैंने ये सिरका लिया, दूसरा ये चिली सॉस है, तीसरा सोया सॉस है। इसके अलावा तमाम चीजें घर की हैं। सूखा धनिया आधा चम्मच हमारे पास, नमक हसबे जरूरत है लेकिन मैं आधा चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूं, सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, और साथ में हम थोड़ा सा चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। चाट मसाला आपने किसी भी अच्छी सी कंपनी का ले लेना है। अब देखते हैं इसे कैसे और किस तरह मैरिनेट करेंगे। अब मैंने एक ये बर्तन ले लिया, इसके अंदर ये अब मैंने अपने तीनों पीस जो हैं ये अच्छी तरह धोकर रख लिए थे, इन तीनों पीसों को मैंने इसके अंदर डाला। सबसे पहले हम इसके अंदर सिरका डालेंगे, सिरका एक से दो चम्मच होगा, ये हमने डाला जी। उसके बाद ये थोड़ी सी चिली सॉस है, ये भी एक चम्मच के करीब होगी। ये सोया सॉस है, ये भी एक चम्मच के करीब होगा जी सोया सॉस में। इसके अलावा ये सूखा धनिया हम डालेंगे, ये सूखा धनिया डाल दिया। सुर्ख मिर्चा आधे चम्मच के करीब ये डालेंगे। उसके बाद ये चाट मसाला है, चाट मसाला आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का ले लीजिएगा। और ये नमक है, नमक भी आप डाल लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें डाल ली हैं, अब इसे अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद अब इसे हम बनाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास कोटिंग का सामान है। इसमें मैंने मैदा लिया, ये आधा किलो के करीब मैदा है, और सिर्फ मैदा और कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही लोग कहते हैं मैदा डालना जी, कॉर्नफ्लोर डालना, फला चीज़ें डालनी, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ मैदा होगा। मैदा आपने खुले बर्तन में लेना है और ज़्यादा सारा लेना है। मैंने आधा किलो के करीब लिया। उसके अलावा ये काली मिर्च थोड़ी सी ली है, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च ली है, और नमक थोड़ा सा लिया। ये तीनों चीज़ें हसबे ज़रूरत हैं, जितनी आपको पसंद हो डाल लें, और अगर तीनों चीज़ें ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अब ये मैं काली मिर्च इसके अंदर डालने लगा, अब मैं सुर्ख मिर्च थोड़ी सी, उसके बाद ये नमक है, ये नमक मैंने डाल दिया। अब तीनों चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हमने कोटिंग करनी है, और मैदे के अलावा कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ सिंपल ये मैदा होगा। आपने खुले बर्तन के अंदर मैदा लेना है, और इसे किस तरह ऊपर से क्रिस्प बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये हमारी कोटिंग ऊपर वाली तैयार होगी।
इसके साथ हम ठंडा पानी भी इस्तेमाल करेंगे। अब अगले स्टेप के अंदर हम फ्राई करेंगे इसे। अब जी ये देखें, ये हमारे पास आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट हुए हुए, इसे आधा घंटा हो गया। ये मैंने बर्फ वाला पानी लिया, ये बर्फ आपको अंदर नजर आ रही होगी, चिल्ड ठंडा पानी चाहिए हमें। और ये सिर्फ मैदा जो मैं पहले आपको कोटिंग बता चुका हूँ, घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसे उठाएंगे, इसे उठाने के बाद इसे चिकन के अंदर इस तरह फेंकेंगे। खुला बर्तन, खुली हर चीज होनी चाहिए। और ये आ गया जी, इसके अंदर अब हम इसे ऐसे करेंगे, आपने इसे अच्छी तरह करना, इसे जोर जोर से करना। ये देखें ना, ये देखें इसके वो बनने शुरू हो गए क्रिस्प से, इसे आपने ऐसे जोर जोर से दबाना। अब ये हो गया, ये देखें ये हो गया, इसे मैंने ठंडे पानी के अंदर छोड़ दिया। अब मैंने दूसरा पीस उठाया, दूसरा पीस उठाने के बाद मैंने इसे ये रख फेंका। ये देखें ये भी हो गया, इसे भी मैंने ठंडे पानी के अंदर छोड़ देना। उसके बाद ये तीसरा पीस हमने उठाया, इसे ये रखा। याद रखना आपने मैदा जो है वो खुले बर्तन में रखना है और ज्यादा। ये भी हो गया, ये भी गया ठंडे पानी के अंदर। और ये आखिरी पीस है, ये मैंने रखा इसे। ये भी हो गया, अब ये मैंने इसके अंदर फेंक दिया। ठीक है जी, अब दूसरे हाथ के साथ जो मैंने सबसे पहले डाला हुआ था वो डालने लगा हूं इसके अंदर दोबारा। ये देखिए दोबारा इसके अंदर डाला और ये इसके ऊपर मैदा फेंक दिया। ये देखिए इसके अंदर कैसे क्रिस्प बन गया। ये चीज बन गई जी। अब ये बन गया, ये देखिए क्रिस्प वगैरह। अब इसे मैं इधर रखूंगा। अब इसी तरह हम अगला पीस निकालेंगे। ये देखिए ये भी तैयार हो गया जी, अब इसे भी इधर रख देंगे। अब अगला पीस उठाएंगे। ये देखें ये भी हमारा तैयार हो गया, ये सारा इसको भी इधर रख दिया। और अब आखिरी पीस है हमारा, ये देखें इसके ऊपर कितने क्रिस्प आ गए। अब हम इसे फ्राई करने लगे। अब जो ऑयल है वो मेरा हो गया गरम, इसे मैंने देचकी में लिया, कढ़ाई में नहीं लिया क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई करना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा सा ज्यादा गहरा है बर्तन, तो इसके अंदर अब जो घी है वो मेरा फुल गर्म है। अब इसके अंदर मैं अपना जो है ना ये पीस डालने लगा। ये देखें कितना क्रिस्प है इसके ऊपर, ये बर्तन खुला लेने का मकसद यही था कि इसके अंदर जो फ्राई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। ये मेरा दूसरा गया, तो दो करके हम इसे फ्राई कर लें।
ये देखें इसके ऊपर कितने क्रिस्प आए हैं। अब मैं इसे चेंज करने लगा, दूसरा भी चेंज कर लेते हैं हम। ये देखें कितना ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्प आया हुआ है इसके भी। ये अभी हमारे दो पड़े हैं। ये देखें जी, अब ये हमारा पक गया। अब इसे मैं निकाल कर एक प्लेट में रखने लगा। ये देखें जी, ये भी अब हमारे बन गए हैं। ये देखें इसके ऊपर कैसा ज़बरदस्त क्रिस्प आया जी। अब हम बर्गर बनाएंगे अपने तीसरे शेफ में। ये देखें जी, कैसे ज़बरदस्त क्रिस्प आए हैं जी इसके ऊपर। ये देखें कैसे ज़बरदस्त क्रिस्प आए। ये देखें जी, ये अब हमारे फिंगर तैयार हो गए। ये बांध मैंने लिए हैं, ये किसी भी अच्छी सी कंपनी के आप ला सकते हैं। ये इस तरह होगा, ठीक है जी। ये बांध मैंने रखे हैं, ये हो गया जो हमारा ये वाला है। इसके ऊपर ये म्यो है, मेयोनीज है ये वाली, ठीक है। ये होममेड मेयोनीज है, इसका लिंक ऊपर चल रहा होगा, आप इसे घर में बना सकते हैं और मेरा लिंक देख लीजिए। इसके ऊपर हमने ये मेयोनीज लगाई है जी। ये गोभी के पत्ते रखने हैं, ये इसके ऊपर आ गए जी गोभी के पत्ते। इसके ऊपर हमारा ये पीस आ जाएगा जी, ये वाला, ये पीस हमारा इसके ऊपर आया, ठीक है जी। इसके ऊपर अगेन जो है, इसके ऊपर हम अपनी ये मेयोनीज फेंकेंगे, ठीक है जी। और कैचअप भी, आपको पसंद हो तो आप कैचअप भी डाल सकते हैं। ये मैंने कैचअप डाल दिए ऊपर, ये मैंने कैचअप डाल दी जी। ये हमारा बर्गर जो है पहला तैयार हो गया। अब इसी तरह ही ये देखें, मैं अब दूसरा बनाऊंगा। दूसरे के अंदर भी पहले, सबसे पहले मैंने मेयोनीज अपनी डाली, उसके बाद कोई सा भी आप पीस उठा ले। ये पीस इसके ऊपर रखा, ठीक है जी। अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज अपनी फेंके, वो मैं रखना भूल गया। ये हमारे हो गए जी बांध तैयार। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका जरा क्लोज व्यू। ये हमारे कैसे जबरदस्त बर्गर तैयार हुए हैं, जिंगर बर्गर। उम्मीद करता हूं जी मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको मैसेज देना था कि हमने एक नया चैनल राणा आदिल अहमद के नाम से लॉन्च किया है वी लॉगिंग का। प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करें जैसे आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।